प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनरेगा घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट में दायर शपथ पत्र में दो अन्य घटनाओं की जांच की बात स्वीकारी है। ईडी ने शपथ पत्र में बताया है कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के चतरा और पलामू कार्यकाल में भी वह जांच कर रहे हैं। इसमें से एक चतरा में मनरेगा फंड से मूसली की खेती के लिए गलत तरीके से दो एनजीओ को फंड स्थानांतरण कर मामला है, तो दूसरा पलामू में जंगल भूमि को खनन कार्य के लिए स्थानांतरित करने से संबंधित मामला शामिल है। दोनों ही मामले के वक्त आईएएस अधिकारी सिंघल को संबंधित जिलों की उपायुक्त रह चुकी हैं। ईडी ने चतरा और पलामू में भी दोनों मामले की चल रही जांच की जानकारी अपने शपथ पत्र के माध्यम से हाईकोर्ट को दी। मनरेगा का जो मैटर है 14-15 करोड़ उसमें मैडम एक्ट के हिसाब से वही कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसमें गड़बड़ होता है तो वो भी एक्यूज्ड बनेंगी। उस पे एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफिडेविट फाइल करके बोला कि हमने इन्वेस्टिगेशन बंद कर दिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स और एक सीनियर अफसर के द्वारा पूजा मैडम को उनके डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में दो मैटर था, कठौतिया माइंस का और हुटी का, दोनों में क्लीन चीट दे दिया था एक ही दिन और उनको बरी कर दिया था एलिगेशन से। तो एफिडेविट जो है ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष है और ईडी जो है ने कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, कठौतिया माइंस का भी कर रहे हैं और इसका भी, पलामू का भी, चतरा का भी। अब ये क्लियर हो गया है कि इनके खिलाफ ईडी के पास प्रूफ है और एंटी करप्शन ब्यूरो को पुनः इसको ओपन करके इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो माननीय न्यायालय के समक्ष है, माननीय न्यायालय से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि इसमें कार्रवाई के लिए आदेश करें। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एस एन पाछे की अदालत में 11 अनुसूचित जिलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि कुछ जिलों में संयुक्त संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई जबकि अन्य जिलों में अनुशंसा के बाद भी सरकार नियुक्ति नहीं कर रही है। इस पे सरकार का कहना था कि वह इस मामले पर विचार कर रही है और उन्हें समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि अब इस मामले में सरकार को बहुत समय दिया गया है, अब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।